भाद्रपद अमावस्या होने के कारण आज छत्तीसगढ़ में पोला तिहार पर्व मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना के कारण ये पर्व उतनी धूमधाम के साथ नहीं मनाया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में पोला तिहार पर कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 12 बजे से इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें, पोला पर्व को लेकर किसानों में काफी ज्यादा उल्लास देखने को मिल रहा है। इस पर्व में किसान अपने कृषि कार्य के सहयोगी बैलों की पूजा करते हैं और इस दौरान खेतों में जुताई का काम बंद रहता है। मिट्टी से बने खिलौनों की पूजा भी की जाती है। आज पोला तिहार की धूम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। हालांकि कोरोना के कारण ये पर्व उतनी धूमधाम के साथ नहीं मनाया जाएगा। खेतों में जुताई के बाद किसानों की ये पूजा, मिट्टी से बने खिलौनों की पूजा की जाती है। वहीं सीएम भूपेश बघेल भी इस दौरान पोला तिहार की उन्होंने बधाई दी। सीएम हाउस में पोला तिहार कार्यक्रम मनाया जाएगा। सीएम ने सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है और कहा कि ये पर्व बच्चों को हमारी संस्कृति से परिचय कराने का अच्छा जरिया है। पोला तिहार छत्तीसगढ़ की संस्कृति की गहराइयों से जुड़ा हुआ है और कोरोना के चलते सीएम की किसान और ग्रामीणों से ये भी अपील है कि पोला तिहार मनाएं, लेकिन मास्क लगाकर इस त्यौहार को मनाया जाए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। मोहन, छत्तीसगढ़ में पोला तिहार पर्व की काफी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ये बताएं कि आज किस तरीके से ये पर्व मनाया जाएगा, क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना का भी साया है, ऐसे में काफी ज्यादा एहतियात बरतना होगा। बिल्कुल, देखिए करिश्मा, छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत त्यौहार हैं उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तो सरकारी आयोजनों का जो सिलसिला है वो बढ़ा है। और इसी कड़ी में हमने देखा कि जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख आयोजन हैं, जो प्रमुख त्यौहार हैं, उसके सरकारी आयोजन भी हुए, लेकिन अभी कोरोना का जो संकट है उसकी वजह से इन आयोजनों की भव्यता को थोड़ा संक्षिप्त किया गया है, लेकिन इन आयोजनों का सिलसिला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी रखा है। और इसी कड़ी में पोला, जो कि एक छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्यौहार है, जिसमें खास तौर पर जो किसान हैं अपनी किसानी का काम पूरा करने के बाद हल की और बैल की पूजा करते हैं, तो वो काम जो है वो आज के दिन किया जाता है और ये माना जाता है कि अब वो फसल लगाने का काम पूरा हो गया। और इसी खुशी में जो है किसान एक उत्सव मनाता है, बैलों की पूजा करता है, बैल दौड़ का आयोजन होता है, इसी तरीके के विविध आयोजन जो है गाँव में किए जाते हैं। तो वही कुछ आयोजनों का नज़ारा आज हमें मुख्यमंत्री निवास में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री निवास में हालांकि संक्षिप्त कार्यक्रम है, लेकिन गणमान्य नागरिकों को, मंत्रियों को वहां बुलाया गया है और जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर साल वहां पर बैलों की पूजा करते हैं, तो वो कुछ नज़ारा आज हमें देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री अपने सोशल मीडिया के जरिए लाइव करेंगे, तो ये सारे चीज़ों का नज़ारा आम लोग भी देख सकेंगे। तो एक परंपरागत त्यौहार, सरकारी इसमें आयोजन और मुख्यमंत्री निवास में आयोजन का नजारा आज हमें देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री क्योंकि छत्तीसगढ़ी त्योहारों से खासा लगाव रखते हैं, इसलिए आज वो इस पूरे त्योहार में इन्वॉल्व दिखाई देंगे। जी जी बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ा हुआ ये पर्व और धूमधाम के साथ ये आज मनाया जाएगा। खुद सीएम भूपेश बघेल भी इस पर्व को मनाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और सीएम भूपेश बघेल ने भी यही सबसे अपील की है कि इस पर्व को मनाएं, लेकिन मास्क पहने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मोहन जुड़ने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से फैल रहा है, नेता भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अब भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस बारे में खुद विधायक शिवरतन शर्मा ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। पॉजिटिव आने के बाद शिवरतन शर्मा रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती हुए। विधायक ने अपने संपर्क में आए लोगों से क्वारंटाइन होने की अपील की है। तो लगातार जो राजनेता है, नेता है, उन तक ये कोरोना पहुंच रहा है और इसकी वजह भी यह है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, पॉलिटिकल गतिविधियों में शामिल रहते हैं, ऐसे में संक्रमण के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। शिवरतन शर्मा पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने ये कहा कि जो जो मेरे संपर्क में आए हैं सभी क्वारंटाइन हो जाएं।
इधर बिलासपुर के निगम कमिश्नर के बाद मेयर रामशरण यादव भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनके पॉजिटिव आने के बाद एक बार फिर हंगामा मच गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मेयर सामान्य सभा की बैठक में भी शामिल हुए थे, जहां दोनों पार्षदों में विवाद हो गया था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ी थी। वहीं रायगढ़ में बढ़ते जा रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। सोमवार से 7 दिनों का लॉकडाउन लगा है। कलेक्टर ने नगर निगम के पार्षदों की बैठक लेकर उन्हें कोरोना जांच में सहयोग करने की अपील की है। यहां हालात ये हैं कि पिछले 2 दिनों में से 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उनके सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, इसलिए प्रशासन को फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा। लॉकडाउन में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सब्जियां, दूध, डेयरी, दवाइयां खुल सकेंगी। इसके अलावा वार्डों में कैंप लगाकर भी सभी जांच की जा रही है, जिसमें एक दिन में 1200 से 1500 लोगों की जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पुलिस बल को भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। अभी हमारे ज़िले में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, कंटेनमेंट जोन बनाया गया है रायगढ़ शहर को। अतः ये अपेक्षा की जाती है कि लोग उसका पालन करें, प्रोटोकॉल का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जब भी बाहर निकलें राशन वगैरह लेने के लिए मास्क लगाएँ। और पार्षदों से ये रिक्वेस्ट किया है कि लोगों को समझाएँ कि लोग जो है अपनी दुकानें समय पर बंद करें, बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। हमारा अभी लक्ष्य है कि अभी लगभग 10,000 टेस्टिंग करनी है, हर वार्ड में केंद्र खुलेंगे, इसके लिए पार्षदों की मदद ली जाएगी। और साथ ही पार्षदों ने अलग अलग समस्याएं भी बताईं। कुछ एरिया जो कंटेनमेंट नहीं हुए हैं उसके लिए SDM को निर्देशित किया गया है, PWD विभाग को निर्देशित किया गया है। वहीं कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश में एक आर्थिक मॉडल के तौर पर सामने आ रही है। राज्य सरकार मंदी बेअसर का दावा भी कर रही है, ऐसे में BJP के फिजूल खर्ची के आरोप कितने उचित हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था देश में एक आर्थिक मॉडल के तौर पर सामने आ रही है। राज्य सरकार मंदी बेअसर का दावा भी कर रही है, ऐसे में BJP के फिजूल खर्ची के आरोप कितने उचित हैं, ये बड़ा सवाल है। दरअसल बघेल सरकार नवा रायपुर में 28 अगस्त को नए विधानसभा भवन का शिलान्यास करने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को न्योता भेजा गया है। सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह में शामिल होने का आग्रह किया है, लेकिन BJP ने इस शिलान्यास को महज पत्थर पर नाम लिखवाने की कोशिश बताया और फिजूल खर्ची करार दिया। आज मुख्यमंत्री आवास बना रहे हैं, 200 करोड़ का मंत्रियों का आवास बना रहे हैं। राजभवन बनाने की बात राज्यपाल जी ने मना किया कि राजभवन बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है। विधानसभा भवन का शिलान्यास करवाने की बात हो रही है, तो वो सिर्फ पत्थर में अपना नाम लिखाने के लिए, सोनिया गांधी जी का नाम लिखवाने के लिए। नाम लिखवाने के लिए जब हमको कोई, हमारा पुराना विधानसभा भवन अभी 10-20 साल चल सकता है, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों मंत्रियों के आवास बनाए जा रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज छत्तीसगढ़ जैसा छोटा प्रदेश, उस प्रदेश में सबसे बड़ी आवश्यकता है तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की आवश्यकता है। BJP के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा, नई राजधानी में 7,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली पार्टी किस नैतिक अधिकार से विधानसभा को गैर जरूरी बता रही है। दुर्भाग्य है, भाजपा की ऐसी मानसिकता है, जिस नए राजधानी में 7,500 करोड़ रुपया जिन्होंने खर्च किया, वो केवल विधानसभा के बनाने के काम का अगर विरोध कर रहे हैं तो उनकी घटिया मानसिकता का द्योतक है। नई राजधानी में अगर हमारा राजभवन बन रहा है, अगर माननीय मंत्रियों के और मुख्यमंत्री के निवास बन रहे हैं, अगर वहाँ हमारा संचनालय और मंत्रालय के कार्य वहाँ भवन बने हुए हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ विधानसभा भी नई राजधानी में अगर बनाया जा रहा है तो इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक्सप्रेसवे के निर्माण और रायपुर में स्काई वॉक पर करोड़ों फूंक देने को लेकर तत्कालीन रमन सिंह सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। सत्ता से बेदखली के पीछे ऐसे ही कुछ मुद्दे जिम्मेदार भी रहे हैं, जिनका कांग्रेस को फायदा मिला। रही बात नए विधानसभा भवन की, जो राज्य की जरूरत है, जिस पर BJP का सवाल उठाना कहां तक उचित है, यह आने वाला वक्त बताएगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर।
वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे के दौरान रविवार को उन्होंने बीजेपी की खस्ता हालत के लिए बड़े नेताओं पर निशाना साधा, तो वहीं सोमवार को बंसल न्यूज एट शरद द्विवेदी से उनकी जब बातचीत हुई तो वो अपने बयान पर कायम नजर आए। अपने बयान को पार्टी के कार्यकर्ताओं का दर्द बताया, साथ ही कहा कि कुछ नेता पार्टी में साल बोरर के कीड़े की तरह है। 15 वर्षों में हमारा जो ग्राफ गिरा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऊपर पदों पर रहते हैं लेकिन अंदर अंदर वो कहीं ना कहीं अपने उस प्रभाव का, उस जो पार्टी ने उनको दिया है उसका उपयोग करके मेरे से आगे कोई ना बढ़े, मैं अपने समर्थक को आगे बढ़ाऊं, ये जो बात है। वही लोग हैं जिनके खिलाफ पार्टी ने 15 वर्षों तक कार्रवाई नहीं की, शिकायतें हुई, मैं भी पराजित हुआ, मैंने भी प्रमाणित तथ्यों के साथ जो है शिकायत की, एक नोटिस तक तो जारी नहीं हुई, बल्कि मैंने देखा कि उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया, किसी को लाभ दी गई, किसी को कोई बना दिया गया, तो पीड़ा होती ना। आज आवश्यकता इसी बात की कि हम आज विपक्ष में है तो हम उसको सुधारें, और ऐसे तत्व जो है जो कहीं ना कहीं साल बोरर का काम करते हैं पार्टी। वहीं उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जेपी नड्डा और रमन सिंह को लेकर भी बयान दिया, सुनिए। स्थिति माननीय नड्डा जी से यहाँ प्रदेश प्रभारी थे उस समय, मेरी इस विषय पर अनेक बार उनसे बातचीत हुई थी छत्तीसगढ़ के बारे में, उनको भी अच्छे से मालूम है। रमन सिंह जी से भी मैं अभी पिछले दिनों ही बातचीत किया था और समीक्षा बैठक में भी बातचीत हुई थी, तो मैंने हम तो इतने पुराने हैं, कोई बोले तो सही है भाई क्या बात है, कोई पता तो चले भाई आखिर क्यों हमारे प्रश्नों का उत्तर तो दे, केवल सुनकर चुप हो जाना ये कोई उसका वो नहीं है। आपको संतुष्ट करना चाहिए, परिवार में यदि कोई आपके पास आया है आपको बोल रहा है तो, और कारण भी बताना चाहिए भाई आपके ये प्रश्न है तो उसका ये उत्तर है, तो पार्टी के सामने ये दिक्कत है उसको बताना भी चाहिए। मैं संगठन एक जिले का प्रभारी हूँ, मैं अपने जिले के लिए बोलूंगा, उसको आप इग्नोर करेंगे तो कार्यकर्ता तो उस संगठन के प्रभारी के नाते मुझको बोलेंगे ना। वहीं छत्तीसगढ़ में सेना और पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का उत्पादन होगा, रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली इकाई छत्तीसगढ़ में स्थापित होगी, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि राज्य सरकार ने कंपनी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया, एमओयू पर हस्ताक्षर सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में हुए। तो छत्तीसगढ़ में अब बुलेट प्रूफ जैकेट बनेगी और ये एमओयू सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में साइन हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने ही ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। वहीं खबर अब रायपुर से, जहां प्रदेश में भारी बारिश के बाद बस्तर के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मंत्री जयसिंह अग्रवाल कवासी लखमा आज दौरा करेंगे, बीजापुर सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जिलों में बाढ़ और राहत कार्यों के संबंध में बैठक भी करेंगे, जिला स्तरीय अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश दिए जाएंगे। बीजापुर और सुकमा में नदी नाले उफान पर हैं, इसलिए ये हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा कि कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए हैं और कितने प्रभावित हुए हैं, कहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। ज्यादा अपडेट के लिए संवाददाता मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन, बीजापुर और सुकमा में नदी नाले उफान पर हैं और आज एक हवाई सर्वेक्षण होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट्स हैं इससे जुड़े हुए? देखिए, इसकी जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि पिछले छत्तीसगढ़ में 24 घंटे से लगातार बारिश हुई और खासतौर पर दक्षिणी बस्तर का जो इलाका है जिसमें दो महत्वपूर्ण जिले बीजापुर और सुकमा खासे प्रभावित रहे, और क्योंकि इन दोनों जिलों से जो नदी है वो बहती है इंद्रावती और सबरी, वो पूरी तरीके से उफान में आ गई है, छोटे नदी नाले भी उफान में हैं जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क कट गया है। ऐसे में क्या नुकसान हुआ है इसका आकलन सरकारी तौर पर जरूरी है और इसीलिए हवाई सर्वेक्षण का फैसला लिया गया है। जयसिंह अग्रवाल जो की आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं और वहाँ के विधायक जो हैं मंत्री कवासी लखमा हैं, ये दोनों आज दौरा करेंगे और हवाई सर्वेक्षण से जानने का प्रयास करेंगे कि बारिश से कैसे हालात हैं, कितने लोग प्रभावित हुए हैं,
क्या उनको मदद पहुंचाई जा सकती है। तो इस संबंध में एक हवाई सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों की बैठक होगी जिसमें मदद पहुंचाने को लेकर चर्चा की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि ये जो इलाके हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, ऐसे में आगे और परेशानियां बढ़ सकती हैं, इसलिए हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, पूरी स्थितियों का जायजा लिया जाएगा और उसी हिसाब से जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं बिलासपुर में वायुसेना ने एक युवक का रेस्क्यू किया है। युवक खूंटाघाट डैम में वेस्टवेयर में कूदा गया था और तेज बहाव के चलते वो फंस गया था। रैपिड एक्शन फोर्स ने युवक का रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स की मदद ली। युवक का नाम जितेंद्र कश्यप है, जो कि रविवार शाम से एक छोटे से पेड़ से नीचे टिका हुआ था। आसपास लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। अंधेरा होने के चलते पुलिस सक्रिय हुई। रात में बिलासपुर से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के कारण युवक ठीक से नजर भी नहीं आ रहा था। 16 घंटे तक जितेंद्र कश्यप पेड़ के सहारे तेज बहाव में फंसा रहा। उसे रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स अधिकारियों से मदद मांगी गई। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचा। उसके बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रात भर पानी के बहाव में रहने से युवक की तबीयत बिगड़ गई है और उसे रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो खूंटाघाट में फंसे युवक के रेस्क्यू पर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि वायुसेना की हिम्मत और संकल्प शक्ति एक बार फिर साबित हुई है। छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से वायुसेना समेत रेस्क्यू टीम को बधाई। और ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से युवक पेड़ के सहारे इतनी देर तक टिका रहा। 16 घंटे तक ये युवक फंसा रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन चला, वायुसेना को बुलाया गया और वायुसेना किस तरीके से युवक के लिए देवदूत बनकर आई, ये देखने वाली बात रही। युवक को फिर रायपुर लाया गया है क्योंकि युवक पूरी रात पानी के भीतर था, इसलिए युवक की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए रामकृष्ण अस्पताल में युवक को भर्ती किया गया है। वहीं रायगढ़ में सड़क हादसे से गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। घटना घरघोड़ा थाना क्षेत्र की है। दरअसल एक बेकाबू ट्रक की टक्कर से एक लड़की की मौत हो गई थी, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने ट्रक में आग लगा दी। वहीं कोरबा के नवजीवन नर्सिंग होम में जमकर हंगामा देखने को मिला। आरोप है कि यहां नॉर्मल डिलीवरी बनाने के रिकॉर्ड की वजह से एक नवजात की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन काफी भड़क गए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी का रिकॉर्ड बनाने के नाम पर डॉक्टरों ने महिला की नाजुक हालत होने के बाद ऑपरेशन नहीं किया, यही वजह है कि बच्चे की मौत हो गई। और इस बात से नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, माहौल को शांत कराया गया। वहीं बिलासपुर में अपना घर संस्था के सदस्यों और पुलिस के बीच झूमाझटकी देखने को मिली। दरअसल एचआईवी पॉजिटिव 14 नाबालिग बच्चियों को अपना घर से बाल संप्रेक्षण गृह में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी पुलिस और संस्था के सदस्य एक दूसरे पर झूम पड़े। संस्था के सदस्यों ने आरोप लगाया कि शिफ्टिंग के दौरान बच्चियों से मारपीट की गई और इस बीच कई बच्चियों को चोट भी आई है। आपको बता दें कि प्रदेश में एचआईवी पॉजिटिव नाबालिग बच्चियों की देखरेख करने वाली एकमात्र संस्था है अपना घर। ये जो घर है वो एचआईवी संक्रमित बच्चियों के लिए हम लोग पिछले 11 साल से चला रहे हैं और जन सहयोग से अपने खुद की क्षमता से हम इसे चला रहे हैं। 2018 में हमने सरकार से अनुदान की मांग की कि हमें सरकारी मदद चाहिए ताकि हम और बेहतर रीति से काम कर सकें, तो उसके एवज में हमसे 30% रिश्वत मांगा गया। डीसीपीओ पार्वती वर्मा के द्वारा हमसे कहा गया कि हमको 30% रिश्वत देनी है, 20% बिलासपुर के लिए और 10% रायपुर के लिए। तो जिसको देने के लिए हमने इनकार किया तो हम पे दबाव बनाने लगे, हमें अलग अलग गलत तरीके से नोटिस भेजने लगे। सारे नोटिसों की कॉपी हमारे पास है। तब हमने इसकी लिखित शिकायत संचालनालय में की आला अधिकारियों को कि इस तरह के साथ हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है और ऐसी स्थिति में हम इसे नहीं चला सकते। खबर अब बिलासपुर से मिल रही है, जहां कानन पिंडारी में फिर तेंदुए की मौत हुई है। 14 साल के तेंदुए जय ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया है। कानन पिंडारी में 10 दिन में ये दूसरी मौत है। 14 साल के तेंदुए ने दम तोड़ दिया।
पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया है। कानन पिंडारी में 10 दिन में 2 तेंदुए की मौत हुई है। आइए अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गांव में जहां 80% घर में कोई न कोई सरकारी नौकरी में है। देखिए इस रिपोर्ट में। इस गांव को सरस्वती का वरदान, 80% घरों में सरकारी नौकरी, छत्तीसगढ़ का जादू टोला गांव। ये गांव राजनांदगांव के अंबागढ़ इलाके में आता है। यहां 110 घर हैं और इनमें से 90% घरों में कोई न कोई सरकारी नौकरी में है। यानी गांव के 80% घरों में कोई न कोई पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और आर्मी में सेवाएं दे रहा है। लगभग यहाँ सारे लोग, मतलब मिनिमम लोग जो है जॉब में है, सरकारी जॉब में। ये जो लोग हैं पढ़ने बहुत अच्छे हैं और कंपटीशन के एग्जाम तैयारी करते रहते हैं। आज़ादी के पहले से ही इस गांव में स्कूल है। यहाँ हर बच्चे में पढ़ाई को लेकर कंपटीशन की भावना है और यही चीज इन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। हाँ, जो पढ़ाई का लेवल है बहुत अच्छा है और बहुत पुराना से यहाँ से बहुत लोग प्रशिक्षित हुए हैं और आगे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। 80% ज़्यादा संख्या में लोग हैं सरकारी नौकरी में। इसका कारण मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ का जो स्कूल है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, जादूगले स्कूल, और जो बहुत पहले से ही करीबन मतलब 1950 के बाद से यहाँ मतलब स्कूल है और अभी के डेट में देखें तो यहाँ पर पूरा 12वीं तक स्कूल है, सभी विषय पढ़ाई यहाँ होती है और साथ ही यहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए 6वीं से 12वीं तक। जादू टोला गांव में पढ़ाई का जुनून ही सरकारी नौकरी की बुनियाद है। यही वजह है कि ये गांव छत्तीसगढ़ में शिक्षा की मिसाल है। प्रमोद चेंडे, बंसल न्यूज, राजनांदगांव। वहीं कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा, लेकिन कोंडागांव के धनेरा में सामुदायिक केंद्र में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। एक स्टाफ के बर्थडे पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने डीजे धुन पर डांस किया। घटना 15 अगस्त की है, वीडियो वायरल हो रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है।